नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, आज हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हैं और हम आज एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वो टॉपिक है, क्या भारत को भारत की हिस्ट्री किसी विदेशी से समझने की ज़रूरत है, और वो भी ऐसा विदेशी जो शायद 1000 साल पहले आया हो और उसने उस समय जो चीज़ें सोची हो या देखी हो या जो एक्सपीरियंस करी हो, उससे क्या हम हमारे आज के भारत को या आज की संस्कृति को या आज की सभ्यता को रिलेट किया जा सकता है? क्या हम हमारे ही इतिहास को गलत तरीके से, हमारे बारे में जो बताया जा रहा है उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ एक पाकिस्तानी चैनल के ऊपर कुछ इसी तरह की बातें और एक कुछ प्रोग्राम किए गए हैं, हम किसी का भी नाम नहीं लेते यहाँ पर। तो आइए उन्हीं चीज़ों को थोड़ा समझते हुए और डिटेल में एलोबरेट करते हैं और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी से उस बारे में बात करते हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत है मेरा रुख के इस मंच पर, और आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू एलोबरेट एवरीथिंग, सो स्टेज इज योर्स। थैंक यू राहुल जी फॉर इनवाइटिंग मी। ऑलवेज अ प्लेजर टू डिस्कस एंड डिबेट अबाउट इंडिया एंड द वे इंडिया हैज बीन पोर्ट्रेड बाय आवर स्कॉलर्स। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न ना, बहुत वो लगता राइट, है, दुख लगता है कि एग्जैक्टली, सच्चाइयों को नहीं बताया। बराबर। और क्या और हमें ये हमारे इतिहास को मार्को पोलो और अल बेरूनी जैसे विदेशियों से समझने की जरूरत है? हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो अभी महमूद गजनी के साथ आए थे, अलबरूनी गजनवी के साथ या किन के साथ, तो व्हाट, वो भी उज्बेक था। बाबर ने भी इंडिया के बारे में जब लिखा तो ही हैज नथिंग गुड टू से। ये बाहर से आए थे तो इनको ये जब जो और ये सब में जो एक इस्लामिक तड़का लग चुका था, क्योंकि आप देखिए इंडिया पे जो अटैक हुए, एक हदीस है इस्लाम में कि गजवाए हिंद होना चाहिए। उसके बाद से जो सीरीज ऑफ भयंकर अटैक इंडिया ने झेला है उसका कोई सानी नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि इंडियंस जो है वो अच्छे वॉरियर नहीं है, उनको ये समझना चाहिए कि एस जो जो दुनिया के सबसे खतरनाक वॉरियर थे उनसे इंडिया ने अपने आप को बचाया है, ठीक है ना, टैक्टफुली, गैलेंटली, और आप जिसको कह लीजिए बाकी जितने भी मेथड हो सकते थे इंडियंस ने लगाए। अब क्वेश्चन है कि इंडियंस इतने ज्यादा बर्बर क्यों नहीं थे? वो इसलिए नहीं थे इंडियंस इतने ज्यादा बर्बर क्योंकि यहाँ पे सिविलाइजेशनल प्रोवेस जो था वो इतना ज्यादा हो चुका था कि वॉर की बात सोचना एज अ मीन्स टू सेटल द स्कोर इंडिया में छोड़ चुके थे ये बात, बराबर, ठीक है ना। आपको इंडियन राजाओं के बीच में जो वॉर है, जलसी वलसी सब हुई होगी, वो आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे को, इसकी जो वर्णन मिलता है वो अशोक के समय में मिलता है। उसके बाद का जो है 2000 साल में देखिए कभी कोई राजा आपस में लड़ रहे हो इतना भयंकर भयंकर युद्ध, ऐसा तो कोई वर्णन ही नहीं मिलता। ये तो जब बाहर वाले आए उनसे लड़ने का वर्णन मिलता है। तो पॉइंट है कि जब आप सही बात, सिविलाइज हो जाते हैं ना, तो आप सिविलाइज होने के बाद जो है वो वॉयलेंस के प्रति आपकी जो एक उदासीनता हो जाती है, यू बिकम इनडिफरेंट टू 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 द नेसेसिटी ऑफ वॉयलेंस। बट चूंकि भारतीय दर्शन में वॉयलेंस का हमेशा एक स्थान था और वो स्थान क्षत्रियता के नाम पे आपको दिखता है, बराबर, सो क्षत्रिय जो एक सोसाइटी कार्व आउट की गई वेद में, उसका काम था वॉयलेंस, क्योंकि उनको यह पता था कि धर्म की रक्षा के लिए आपको वॉयलेंस तो करना पड़ेगा। मगर चूंकि अब आप वॉयलेंस को प्लेस दे रहे हो सोसाइटी में, तो कोई भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो है वो ये जरूर बताएगा कि ये वॉयलेंस का रेगुलेशन कैसे होगा। इसलिए क्षत्रियों के ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया, ब्राह्मण या क्षत्रिय, मैं कास्ट वाइज नहीं बात कर रहा हूं, मैं कंसेप्ट वाइज बात कर रहा हूं। बराबर, या आपको युद्ध कौन सा लड़ना है वो युद्ध बताए, वो युद्ध की आवश्यकता क्या होगी, उस युद्ध की का परिमार्जन कैसे होगा वो बताने के लिए हमेशा एक ब्राह्मण रहता था, जो कि रिसर्च, ब्राह्मण में पुजारी को लोग ब्राह्मण समझते हैं, वो भाई ठीक नहीं है। ब्राह्मण पूजा, हर पुजारी ब्राह्मण हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है, बराबर,
तो ब्राह्मण का मतलब था रिसर्चर एंड स्कॉलर्स, दोज हु कुड थिंक राइट एंड डेवलप न्यू थ्योरीज, वो ब्राह्मण थे। हमारे यहाँ पूजा पाठ करने वाले को ब्राह्मण समझ के मूर्खों ने उसी हिसाब से कर दिया, दैट इज नॉट ट्रू। ऋषि मुनि ब्राह्मण हुआ करते थे अपने कर्म से, ठीक है ना। तो अब पॉइंट ये है कि आपने हमारे यहां चूंकि थ्योरी ऑफ वॉयलेंस आई और दुनिया में पहली थ्योरी ऑफ वॉयलेंस जस्ट वॉर, ये इंडिया ही देता है आपको। गीता की पूरी थ्योरी आपको पता है, रशिया में बहुत पहले गीता को बैन कर दिया था कोर्ट ने, क्योंकि जब वहां हरे कृष्णा मूवमेंट ने बहुत ज्यादा पैर पसार लिए थे तो वहां की क्रिश्चियन जो लॉबी थी वो डर गई थी, तो उन्होंने एक वो डाला केस मुकदमा कि इस किताब में वॉयलेंस की बातें लिखी गई हैं कि तुम इसको मारो उसको। तो इंडिया दुनिया को जस्ट वॉर देने की पहली थ्योरी इंडिया में आई। रामायण भी जस्ट वॉर है, महाभारत भी वॉर है, दोनों ही वॉर हैं। लेकिन उसके इतर दूसरी जो वॉर की थ्योरी आई वो इस्लाम से आई। क्रिश्चियनिटी ने कोई वॉर की थ्योरी नहीं दी, क्रिश्चियनिटी ने वॉर की थ्योरी दी, जस्ट वॉर की थ्योरी सेंट ऑगस्टिन ने देनी पड़ी, ह्यूगो ग्रॉसस और सब के लोगों ने देना पड़ा जब क्रूसेड हुआ, जब ह्यूगो ग्रॉसस के पहले कुछ एक क्रिश्चियन सेंट ऑगस्टिन ऐसे करके थे, सेंट थॉमस एक्विनस आई गेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मैं देख लेता हूँ कि जस्ट वॉर की थ्योरी किसने दी थी ना। तो वही सेंट थॉमस एक्विनस, ठीक है ना। सो सेंट थॉमस एक्विनस ने जस्ट वॉर की थ्योरी दी, क्यों दी थी, क्योंकि जब इस्लाम आया तो वो एक्सपेंशन करने लगा बाय फोर्स। इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट था तीन प्रिंसिपल कि मैं तुमको दे रहा हूं दावत, नंबर एक कन्वर्ट हो जाओ और मुसलमान बन जाओ, सारा इलाका इस्लामिक हो जाए, नंबर दो हमसे अगर कन्वर्ट नहीं होना चाहते तो हम वहां आके रूल करेंगे और तुम हमारे अंडर में रहो और जजिया टैक्स दो, इंफीरियोरिटी टैक्स, नंबर तीन लड़ लो बात खत्म हो जाएगी। ये था इस्लामिक वॉर की थ्योरी। इस्लाम कोई सारे इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं वो तलवार के दौर पे पहुंचा इसको। आप भाई आप व्हाई डू यू वांट टू पुट थिंग्स अंडर द कारपेट, आप क्यों नहीं ओपन में डिस्कस करना चाहते जो थ्योरियां रही हैं जिससे हमारे घर वालों ने हम लोगों ने सफर किया है। व्हाट इज माय जॉब एज अ स्कॉलर, टू पुट थिंग्स इन द पर्सपेक्टिव। या स्कॉलर वो है जो चीजों को वो करे, शुगर कोटेड करे और झूठ को जो है वो सच बना के दे कि ब्राह्मणों की वजह से जो है यहाँ पे। अब आप कम्युनिस्टों से मिलिए वो बोलते हैं इंडिया का विभाजन ब्राह्मणों की वजह से हुआ, टू नेशन थ्योरी नहीं मानते कि ब्राह्मण जो है वो अत्याचार कर रहे थे। मुझे ये नहीं समझ में आया ब्राह्मण सारे मुसलमान पे ही क्यों अत्याचार करते, उन्होंने यहूदियों पे अत्याचार क्यों नहीं किया, उन्होंने क्रिश्चियनों पे अत्याचार क्यों नहीं किया, जैनों पे अत्याचार क्यों नहीं किया, जैन अभी भी कैसे सर्वाइव करते, बुद्धों पे अत्याचार क्यों नहीं किया। और बुद्धों पे अत्याचार की जो एकलौती आपको बात सुनेंगे वो कोई इस्लामिक स्कॉलर बैठ के बता रहा होगा, वो ये नहीं बताएगा कि पूरा का पूरा अफगानिस्तान जो था वो बुद्धिस्ट था, तुमका को बुद्धिज्म से इतना प्यार है तुमने उसको पूरा कन्वर्ट क्यों कर दिया, बेमियान की मूर्ति क्यों तोड़ दी। पॉइंट यहां नहीं है कि कौन अच्छा है, मगर आप चीजों को समझें तो। सो जो वॉर की थ्योरी है वो तीन है कि वॉर मतलब वॉयलेंस आप कर रहे हो तो उस वॉयलेंस को करने की जरूरत कब पड़ेगी, क्या वॉर जो है वो आपके इच्छा से चलेगा या वॉर किसी कंडीशन में किया जा सकता है। वॉयलेंस कभी भी किया जा सकता है, स्वेच्छा से किया जा सकता है, किसी पर्पस के लिए किया जा सकता है, या वॉयलेंस करने के लिए कोई पर्टिकुलर कंडीशन का होना आवश्यक है जिसके ट्रिगर करने पे ही आप वॉयलेंस करेंगे। और जब ये आप डिटरमाइन कर लेंगे तो उससे ये डिटरमाइन होता है कि आपका जो वॉयलेंस है वो ऑफेंसिव ऑफेंस है या वो डिफेंसिव ऑफेंस है। राइट जैसे आप देखें गीता में रामायण में भगवान श्री राम ने और श्री कृष्ण ने दोनों ने युद्ध किया बराबर, और उसको धर्म युद्ध कहा, ठीक है ना। हमारे यहाँ ये नहीं है कि जो आपको सुनने में आता है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, नहीं है। भगवान श्री राम जब युद्ध करने गए उसके पहले उन्होंने रावण से दसियों आर्बिट्रेशन मीडिएशन की कोशिश करी, अंगद जी को भेजा भगवान ने, हनुमान जी को भेजा कि जाओ सीता माता को लेते आओ, वॉर नहीं करना चाहते। तो ये धर्म युद्ध है। अगर आप कहो कि सब चीज जायज है, सब कुछ जायज था युद्ध में, तो फिर वो धर्म युद्ध नहीं होगा। भारत ने कभी भी इस प्रकार के अनुचित युद्धों को या इस प्रकार के अनुचित कदमों को युद्ध में कभी नहीं पसंद किया। बराबर। युद्ध और में
जी हाँ, और इनफैक्ट महाभारत में भी भगवान कृष्ण पांडवों की तरफ से एक शांति प्रस्ताव लेके गए थे कौरवों के पास में कि उन्हें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए और वो मान जाएंगे। तो वो भी एक वही एक कोशिश थी कि युद्ध ना हो और उस युद्ध का किसी डिस्कशन से या शांति से कोई समाधान निकल जाए। जी 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 वो बहुत फेमस है, उस पे मैं आ रहा था। पर समझिए नेचर ऑफ वॉयलेंस को ना, तभी आप चीजों को पर्सपेक्टिव में समझेंगे। सही बात। वॉयलेंस इंडिया में पहले ही वेदों के समय में वॉयलेंस बता दिया गया। क्षत्रियों का निर्माण करने का मतलब कि आप वॉयलेंस की नेसेसिटी को समाज में सीख रहे हो, समझ रहे हो। वॉयलेंस वॉज नॉट डिस्कार्डेड एज समथिंग विच इज हीनियस, बट इट वॉज ऑलवेज नोन कि वॉयलेंस को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, वरना एक लूज वॉयलेंस जो है समाज में नरसंहार कर देगा। बराबर। तो उन्होंने देखे, सबसे पहले उन्होंने वॉयलेंस के कॉज को यूं आपको उन्होंने जिसे कह लीजिए खत्म किया, जब उन्होंने कह दिया कि भगवान जो है एकम सत बहुधा विप्रावदन्ति, सब सत्य है, भगवान के नाम अलग अलग हो सकते हैं मगर जो तुम्हें विद्वान लोग बता रहे हैं वो सब सच बता रहे हैं। तो कोई विद्वान यदि विष्णु की महिमा गा रहा है, कोई विष्णु मैत्रेय की वो महिमा बता रहे हैं, वो सारे विद्वान अलग अलग है, उनको लेके लड़ो मत। इससे एक जहन का निर्माण होता है और वो जहन ये है कि भारत इसी वजह से जुडाइज्म को भी एक्सेप्ट करता है, क्रिश्चियनिटी को भी एक्सेप्ट करता है, इस्लाम को भी एक्सेप्ट करता है। आपको जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहब लोग और इधर उधर बैठे हुए बार काउंसिल में भी मैं देखा था कि मद्रास बार काउंसिल में कहा है कि आप माइनॉरिटी के जज अपॉइंट कीजिए। भाई जज का माइनॉरिटी से क्या लेना देना है, आप मेरिट पे जो आदमी है उसको अपॉइंट करो, उसकी आप जात और वो धर्म देख करके कब से यार ये जुडिशरी में तुम अपॉइंट करोगे या किसी भी जगह पे, अगर वो मेरिटोरियस जज है, वो उसका पर्सनल फेथ है, आप सेक्युलर भी बनाना चाहते हो और उसके बाद माइनॉरिटी के नाम पे आप उनको जज भी बनाना चाहते हो। भारत हैज गॉन इन टू अ वेरी डायबोलिकल माइंडसेट। रिलीजन को पर्सनल बनाने की जगह इन्होंने रिलीजन के आधार पर गवर्नेंस करना शुरू कर दिया। राइट। तो खैर, अब पॉइंट ये है कि आप जब वॉयलेंस कर रहे हो तो वॉयलेंस को रेगुलेट करने की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। तो इंडिया हैड ऑलवेज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉयलेंस। गांधी जी से लोगों की यही वो थी, वो कह रहे अहिंसा परमो धर्म, और भाई वो उसमें वो भी है धर्मो रक्षति रक्षिता जो है तथैव च करके, कि भाई धर्म के लिए की गई हिंसा जो, कैसे आप हिंसा को सोसाइटी से निकाल दोगे, पूरा का पूरा क्षत्रिय वर्ण जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय वर्ण का काम ही है हिंसा को करना, मगर उस हिंसा को करने के लिए उनको जो मार्गदर्शन मिलता है वो रामायण और गीता से मिलता है। बराबर। तो अब देखिए कितने तरीके के वॉयलेंस हैं समाज में, पूरे इंसानी समाज, मानवीय समाज में। पहला भारतीय वॉयलेंस, क्षत्रिय जिसका कि वो है, मगर वो वॉयलेंस ब्राह्मण के अंडर में करेगा, अपने लिए नहीं करेगा। राजा को बार बार बताया गया तुम्हारा जो काम है वो प्रजा की रक्षा करना है, प्रजा की भलाई करना है, प्रजा की प्रसन्नता के लिए, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, तुम एक ट्रस्टेड वो इंटरेस्ट, तुम एक ट्रस्टी हो। और ये आपको सत्वाहना ब्राह्मणाज में 50 जगह मिल जाएगा कि रूल ऑफ लॉ इंडिया में देने वाला, मैं आपको वर्ड्स भी कोट कर दूंगा, वो सत्पना ब्राह्मण में मिल, सत्पता ब्राह्मण में मिलता है, जहां ये कह दिया गया कि किंग जो है वो लॉ से नीचे है। सही, ठीक है ना। तो अब देखिए हिंदू जो है या वैदिक जो धर्म है उसमें जो वॉयलेंस है वो ऑफेंसिव डिफेंस है, डिफेंसिव ऑफेंस है, सॉरी, आत्मरक्षार्थ। पहला वॉयलेंस आप नहीं करते। बराबर। पहला वॉयलेंस भगवान श्री राम ने नहीं किया, ठीक है ना। किसने किया? सुपर्णखा आई, सुपर्णखा भगवान राम के शादीशुदा थी, जबरदस्ती जोर कर रही थी, लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर के उसको उनका नाक कान काटा। ये एक वॉयलेंस जो है वो वॉर वाला वॉयलेंस नहीं है, ये समाज में छोटा वाला वॉयलेंस है। इसके बदले में रावण आकर के लेके चला गया माता सीता को। अब जब वो माता सीता को लेकर के चला गया तो भगवान राम ने ऐसा नहीं किया कि वो तो भगवान थे, जो चाहते वो कर देते। उन्होंने दूत भेजे, उन्होंने बोला कि भाई तुम सरेंडर कर दो। और जो ये कह रहे कि सब कुछ जायज है, तो वो मंदोत्री को उठा के नहीं ले आए, भगवान हनुमान ही जाकर के सब कुछ खत्म कर सकते थे। सही बात है, ठीक है ना। स्टोरी का जो मॉरल साइंस है उस पे जाना चाहिए, उसमें कई फिक्शनलाइज्ड एलिमेंट है उसको हम छोड़ देते हैं, बट मॉरल साइंस क्या है, मोरालिटी क्या हम सीखते हैं उससे? मोरालिटी हम ये सीखते हैं कि वॉर शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, बट वॉर इज इंपॉर्टेंट बट एट अ लास्ट रिजॉर्ट।
सही बात। तो भगवान श्री राम ने सारी मीडिएशन की, जब सारी संभावनाएं फेल हो गई तब जाके उन्होंने रावण को मारा। लेकिन जब रावण को मारा उसमें भी उन्होंने श्री कृष्ण लक्ष्मण जी से कहा जाओ इनसे सीख के आओ, ये परम मेधावी आदमी है। दुश्मन को नीचे दिखाने वाला या अपने से घटिया समझने वाला भारतीय समाज नहीं है। भीष्म पितामह, भीष्म का युद्ध भी अर्जुन से हुआ, दोनों ने एक दूसरे को ऊपर बाण चलाए, एक दूसरे को मारने की कोशिश की, लेकिन जब अर्जुन ने पितामह भीष्म को मार दिया उनके चरणों में जाके खड़े हो गए। तो वॉयलेंस में भी एक रिस्पेक्ट था, शाम को ही होता था, रणभीरु ही बचती थी। और ये हमको कोई और बताएगा कि वॉर का क्या होता है, किसके ऊपर अटैक करना है किसके ऊपर नहीं करना। तो इंडियन युद्ध जो था, इंडिया जो थ्योरी ऑफ जस्ट वॉर है वो धर्म युद्ध था कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होगा बस, और कोई कारण नहीं दिया गया। जहां धर्म की हानि होगी तब ही युद्ध होगा। वो धर्म क्या है ये आपको धर्माचार्य बताएंगे कि वो किस धर्म का है। तो राजा का धर्म है प्रजा, कोई जबरदस्ती अटैक कर रहा है तो तुम्हें बचाना पड़ेगा प्रजा की सुरक्षा के लिए। तो अब उसके एवज में इस्लाम का भी एक थ्योरी ऑफ वॉर है। इस्लाम की थ्योरी ऑफ वॉर क्या है कि भाई तुमको कन्वर्ट होना है, मेरा वाला सही है वही मानो। अब्राहमिक फेथ की प्रॉब्लम ये है कि कोई भी फेथ है चलाओ, जैसे इंडिया में वेदों के अपोजिशन में बुद्धिज्म भी निकले, उसके बाद वेदों से निकलते हुए जैनिज्म भी निकला, सिखिज्म भी निकला, सब मानो जिसको जो मानना है। आपने भी एक अगर अब्राहम ने क्रिश्चियनिटी या अब्राहम ने अगर जुडाइज्म का शुरू किया करें, कोई दिक्कत नहीं, सब इतने धर्म 500 धर्म को एग्जिस्ट कर सकते हैं। दिक्कत ये हुई कि जब उन्होंने ये कहना शुरू किया तुम्हारा गलत है। किसी को धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, किसी को किसी के मजहब पंथ से कोई दिक्कत नहीं है, 500 है आपका भी एक सही और उसमें आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, मगर ये कहना कि मेरा सही है तुम्हारा गलत है, ये प्रॉब्लम का घर बन गया। और इसको लाने वाले यहूदी थे, आज देख लीजिए बेचारे यहूदियों की क्या दशा हो गई इस थ्योरी के कारण। बराबर, उन्होंने ये थ्योरी दी कि मूर्ति पूजा गलत है, और उसके बाद क्रिश्चियनिटी में उनका जो हश्र किया क्रिश्चियनों ने, उसके बाद इस्लाम की तो किताब में ही ये लिख दिया कि तुम यहूदी से कोई बुरा इंसान पैदा नहीं हो सकता। और ये क्लेम है कि उनका भगवान और मुसलमानों का जो भगवान है वो सेम है, हालांकि वो है नहीं, क्योंकि जो अब्राहम का गॉड था वो गॉड ऑफ इसराइल था, उससे आगे उनकी कोई हदूद नहीं थी। बराबर, कुल देवता थे एट द बेस्ट जिसको मैं कहता हूँ। बराबर, वो कुल देवता थे, उन कुल देवता, इसलिए जूज आपको कन्वर्जन के लिए नहीं जाते, वो इजराइल तक ही लिमिटेड रहते। सही है। तो पॉइंट ये है कि इसको यूनिवर्सलिटी देने का काम क्रिश्चियनिटी ने, और वो यूरोपियन इंपीरियलिज्म के फॉर्म में, और उसके बाद जिन्होंने रिलीजन नहीं चेंज किया, उनको जो यूरोपियन यहाँ पे वो कल्चर से नफरत करते थे, वो कल्चर को रिलीजन समझते थे, तो यूरोपियन वैल्यूज को स्थापना करने को उन्होंने रिलीजियस वो समझा। क्या तो हिंदुइज्म के बाद जो दूसरी वॉर की थ्योरी आती है वो इस्लाम से आती है। इस्लाम में क्या है भाई, एक बात है हमसे लड़ो, क्यों लड़ो ये नहीं है, तुम्हारा गलत हो तुम, बस तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम बड़े अच्छे इंसान हो, बड़े अच्छे राजा हो, बस हमसे लड़ लो, क्यों, क्योंकि तुमको मुसलमान बनना है। भाई कोई जस्टिफिकेशन होगा ना लड़ने को, कह रहे हो तुम एक चिट्ठी भेज रहे हो कि हमसे लड़ लो, सही बात, कन्वर्ट हो जाओ, क्यों कन्वर्ट हो जाए, ये कि भाई तुम्हारी मान्यताएं सारी गलत है, और अरबी मान्यताएं सही हो जाए, अरबी भाषा लगा दे। आप देखिए पाकिस्तान में आज क्या रहा, उनको समझ ही नहीं आता उनकी भाषा क्या है। बराबर, वो अरबी पढ़े, उर्दू पढ़े, इंग्लिश पढ़े, क्या पढ़े पता नहीं। अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन ही देख लें। हाँ एग्जैक्टली, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31 में कह रहे हैं कि अरबी जबान है सबको अरबी सिखाएंगे, 251 में कह रहे हैं कि उर्दू जो है कौमी जबान है, अंग्रेजी भी तब तक कौमी जबान चलेगी, जो जो वाकई में कौमी जबानें हैं उन जबानों को क्या अपने ऊपर देख लो, कोई अगर कौमी जबानें बोल दे पाकिस्तान में उसको बुरा समझा जाता है, और कौमी तराना फारसी में लिख दिया। बराबर, मतलब ये कंफ्यूजन क्यों हो रही है, क्योंकि पता ही नहीं है कि अपना क्या है पराया क्या है। बराबर, और पाकिस्तान अपनी हिस्ट्री अरबों में ढूंढता है, बल्कि उसकी हिस्ट्री भारत रिलेटेड है, और वो भारत और भारत हिस्ट्री शॉपिंग कर रहा है ना। पाकिस्तान इज अ वनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज हिस्ट्री शॉपिंग, ट्रेडिशन शॉपिंग, कल्चर शॉपिंग और भाषा शॉपिंग। बराबर, ये जब मैं लॉयर हूं ना तो हम लोग को पढ़ाया जाता था फोरम शॉपिंग, कुछ वकील होते हैं या जब हम लोग आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो देखते कौन सा ऐसा जगह जहां पे फेवरेबल जुडिशियल प्रोसेस मिलेगा या जुडिशियल फेयरनेस मिलेगा, उसको लोग चूज करते हैं फॉर एज अ डेस्टिनेशन फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। बराबर, सही बात है। तो उसी तरीके से पाकिस्तान जो है
इट इज सर्चिंग हिस्ट्री शॉपिंग अरबों से, इससे उससे, फिर कल्चर शॉपिंग, हमारा इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक कल्चर का मतलब होता है खाना, कल्चर क्या होता है, खाना, कपड़ा, वेशभूषा, भाषा, इस्लामिक कल्चर है, तुम्हारी भाषा ही बता दो, कह रहे भाषा उर्दू है, तो कौमी तराना काहे लिखे पड़े हो उसमें तो ये जो थ्योरी आई, ये जो वॉर की थ्योरी इस्लाम ने दी कि तुम्हें कन्वर्ट होना है भैया, अपना सब मान्यताओं को, तुम्हारी मान्यताएं गलत है, हमें से हम अरबी मान्यताओं को मानो बराबर, और अगर नहीं मान रहे हो तो टैक्स दो, हमसे नीचे बन के रहो, ये क्या बात है वॉर की। और ये दोनों नहीं करो, यानी कन्वर्ट हो जाओ, अपनी मान, कौन अपनी मान्यता छोड़ता है, अपने माँ बाप कौन छोड़ता है, अपनी धरती कौन छोड़ता है, कोई कॉमन आदमी नहीं छोड़ेगा, कोई नॉर्मल आदमी नहीं छोड़ेगा, अचानक से हम अरबी मान्यताओं को मानने लगे, क्यों हम अरबी मान्यताओं को मानने लगे, और कह रहे हो कि अगर नहीं मानोगे तो फिर टैक्स दे दो, हमसे नीचे बन के रहो, खाली इसलिए कि हम अपनी मान्यताओं के साथ रहे तो आप और हमको तो, हम तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से बचाएंगे, कौन है मेरा दुश्मन भाई, तुम ही मेरे दुश्मन हो, आके कह रहे हो कि कन्वर्ट हो जाओ, कोई और तो कह नहीं रहा है बराबर, तो कह रहे हो कि ये तो वही बात हो गई कि गब्बर से अगर तुमको कोई बचा सकता है तो खुद गब्बर आप समझ रहे ना, शोले में कहते ना कि गब्बर की ताप से अगर तुमको कोई बचा सकता है तो वो खुद गब्बर, ये कह रहे हैं ये बराबर, कि जजिया दो नहीं तो तुमको अब तुम्हारे दुश्मन से बनाएंगे, अरे भाई कोई दुश्मन ही नहीं था उस समय बराबर, कोई नहीं कह रहा था कि अपनी मान्यताओं को चेंज करो, तो कह रहे हो हम हमारी मान्यताओं को मानो, अगर हमारी मान्यताओं को नहीं मान के रह रहे हो तो हम तुम्हें तुम्हारे दुश्मन, जो कि हम है तो हम तो, हमसे तुमको बचाने वाले केवल हम है, ये है उसका मतलब और थर्ड था वॉर करो, ये इस्लामिक वॉर थ्योरी है। तो हमारी वॉर थ्योरी क्या है, दो न्याय यदि तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की, ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला, जो सा असाध्य साधने चला, जब नाज मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, बॉटम लाइन क्या है इसका बराबर, भगवान क्यों गए थे कि दो यदि न्याय तो आधा आधा हस्तिनापुर डिवाइड कर दो, हम ले लेंगे तुम ले लेंगे, चलो आधा नहीं दे रहे, चूंकि मैं परिजन पर असीना उठाएंगे, वॉर नहीं करेंगे अपने लोगों से, पांच गांव दे दो, आधा से पांच गांव लड़, ये हिंदुओं की मानसिकता है, वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, जब एकदम जान पे बन आती है तब उनको लड़ाई में जाना पड़ता है, और जब उनकी जान पे बनाई तो उन्होंने अरबों को, तुर्कों को, सबको धकेल के बाहर निकाला, जब शिवाजी महाराज उठ खड़े हुए, महाराणा प्रताप उठ खड़े हुए, भारत के अन्य भागों से, दक्षिण भारत से भी लोग उठ खड़े हुए, तब उन्होंने कहा कि तब तक तो सबको अपने ही समझ रहे थे बराबर, उनके अंदर सेंस ऑफ जो स्पिरिचुअलिटी में बाहर का, उनको ये तो पता कि ये बाहर क्या क्रांता है, तो वो जब आपने उनके धर्म पे, शिवाजी महाराज क्यों खड़े हुए औरंगजेब के दाम, उन्होंने तोड़ दी वो क्या नाम है काशी विश्वनाथ, अच्छा आप मासीरे आलमगीर करें, वो कह रहा कि ब्राह्मणों से बड़ा वो छुप था, वो ब्राह्मणों ने मुसलमानों को भी कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था और लोकल हिंदू भी उनके पास आने लगे थे, इससे वो चिढ़ गया, आप जाकर के जो भी मासीरे आलमगीर में 12th रीन उसमें ना उसके जो उसके शासन का वर्ष है उसके हिसाब से क्रॉनिकलिंग है, तो उसके 12वें शासन हर एक ईयर में लिखा हुआ उसने क्या क्या किया है, हाँ एग्जैक्टली, तो उसका 12वें वर्ष वाला जो है वो जाके कोई पढ़ ले उसमें ये बात मिल जाएगी, 12वें और 13वें वर्ष में मासीरे आलमगीर में लिखा हुआ है कि जब ब्राह्मणों ने एकदम से वो चूंकि स्कूल चलाते थे उसमें अपनी वो शिक्षा देते थे, अरे भाई जरा न्याय सूत्र जाके पढ़ के तो देखो, गौतम का न्याय सूत्र, मीमांसा, ये सब इतनी डीप थ्योरी है कि आप इस्लाम इसकी थ्योरी ली आप इसको नहीं, इंडियंस को आप चैलेंज कर सकते थे उन ब्राह्मण्स को, बिकॉज देवर द पॉइंट इज दैट ब्राह्मणों की ये गलती नहीं कि वो नॉलेज छिपाना चाहते हैं, आज भी ये आपको ट्रेडिशन मिलता है कि ब्राह्मण जो है वो अपनी नॉलेज देना नहीं चाहता, ये एक प्रॉब्लम है हमारे समाज, लेकिन जो नॉलेज था वो इतना, जो समझदार ब्राह्मण थे वो आगे आए, उन्होंने नॉलेज को स्प्रेड आउट करना शुरू किया तो लोग प्रभावित हुए क्योंकि वो नॉलेज में दम था, आप न्याय सूत्र का खाली जाकर के न्याय सूत्र की किताब पढ़िए खाली या किसी YouTube पे जाके वो कभी सुनिए, आपको जो उसकी डेप्थ ऑफ नॉलेज है कि हाउ टू नो द नॉलेज, एक तो है कि नॉलेज कि आपके पास ज्ञान है, लेकिन एक ज्ञान का ज्ञान कि ज्ञान किसको कहोगे, ज्ञान को जानने के रास्ते क्या है,
आप समझ रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि ये जो वॉर थ्योरी है क्रिश्चियनिटी में, ये वॉर थ्योरी जस्ट रिलीजन में नहीं है, बाइबल में नहीं मिलती वॉर की थ्योरी, उनका स्टोरी ही दूसरा है। लेकिन प्रॉब्लम आपको कई मिलती है, कोई भी आदमी जो सोच समझ रहा है वो आपको, जैसे कई मुस्लिम पैनलिस्ट न्यूज चैनल पे आते हैं, बोलते हैं जी सब एडम और ईव की औलादे हैं, हम तो बहुत पहले से थे। अरे भाई 72 क्रिएशन थ्योरी है इंडिया में, पूरी दुनिया में, कि इंसान कैसे बना, उसमें तुम्हारी एक थ्योरी है कि एडम एंड ईव को उसने बनाया था। अच्छा, जूस का जो भगवान है वो भगवान इस्लाम का भगवान नहीं है, उसमें बहुत अंतर है। पूछे क्यों, वो अंतर आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। 600 साल पहले इनके इस्लाम के आने के, क्रिश्चियनों को भगवान ने भेजा जीसस क्राइस्ट को। जीसस क्राइस्ट की खास बात है कि उन्होंने चमत्कार किए थे। आप चमत्कार हटा देंगे तो जीसस क्राइस्ट नहीं रह जाते। तो वो एक चमत्कार जो जीसस क्राइस्ट ने किया कि उन्होंने पानी को वाइन में कन्वर्ट कर दिया, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। 600 साल बाद अगर ये वही भगवान है जो मुसलमानों को भी मैसेज दे रहा है कि भाई वो किताब में वो आ गई है, तो वो भगवान अपने बेटे के द्वारा करवाए गए चमत्कार को, कि अल्कोहल बनाने का चमत्कार, पानी को अल्कोहल बनाने का चमत्कार, उसने कह दिया कि ये अल्कोहल तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। सही बात है, यानी अपने द्वारा करवाए गए काम को भगवान क्यों डाउट करेगा। जीसस क्राइस्ट तो उनके सन ऑफ गॉड है ना, आप ये भी कहते हो कि वो अल्लाह के बेटे नहीं है, तो प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, आप कह रहे हो कि एडम एंड ईव से सब निकले हैं, आदम और हव्वा, चूंकि इस्लाम इनहेरिटर है जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी का, तो उनके इनहेरिटेंस में वो कहते हैं कि सब कुछ था। तो अगर आदम और हव्वा की ही सब संतानें हैं, एडम एंड ईव की संतानें हैं, तो एडम एंड ईव की स्टोरी भी सुन लीजिए। एडम को भगवान ने बनाया, उसके बाद जो है एडम अपना पार्क में घूमते थे ईडन में, उनको एक दिन बोर होने लगे, पशु पक्षी से भी उनका मन नहीं लगा, तो फिर उनके रिब से जो है ईव बना दी गई। अब ये लोग ईडन में घूम रहे थे तो इन्होंने एक फॉरबिडन फ्रूट खा लिया, सेब। सेब खाने का हुआ ये नतीजा कि उनको शर्म आने लगी, उनको ये बोध हुआ कि हम तो नंगे हैं। तो ये जो एहसास ऑफ नंगापन था कि वी आर नेकेड, तो जब भगवान आए मिलने तो वो छिप गए। तो उन्होंने कहा ये तुमको कैसे पता कि तुम नंगे हो। तो उन्होंने कहा क्या तुमने फ्रूट खाया, उन्होंने कहा हाँ। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब उन चूंकि इंसानों का नंगापन होना ही उसका लॉस ऑफ इनोसेंस है, तो फिर अगर एडम एंड ईव को ये पता चल गया था कि नंगा रहना जो है वो एक, एक, एक बुरी चीज है, तो उनके सारे बच्चों में फिर वो, क्यों इंसानों में फिर सेंस ऑफ नंगापन होना चाहिए कि ये बुरी चीज है, कोई भी इंसान नंगे नहीं रहेगा फिर, क्योंकि ये ओरिजिनल सिन है। आप जाके देखिए सेंटिनल में नंगे ट्राइब्स आज भी नंगे रहते हैं, अफ्रीका में ट्राइब्स नंगे रहते हैं। और अगर ये चुकी नंगे रहते हैं और इनके यहां वो सेंस ऑफ सिन नहीं है कि नंगा रहना अपने आप में एक सेंस ऑफ सिन है, तो ये एडम एंड ईव की औलादे नहीं होंगी, क्योंकि एडम अपने एडम और ईव जो है वो अपने औलादों को तो ये बताएंगे ना, और वही उनको इंसान बनाता है, एहसास ऑफ नंगापन। जो थ्योरी को समझ रहे हैं उनका ये बात है। तो आप अगर सेंटिनल हमारे यहां पाए जा रहे हैं तो हम एडम एंड ईव की औलादे तो नहीं है भाई, सबकी क्रिएशन थ्योरी अलग अलग है। अब ये क्या मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट में बोला, नहीं भाई, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करो, मैं कह रहा हूं अभी भी करो, क्योंकि फेथ का कोई साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं हो सकता, लेकिन ये कि सबको तुम कह रहे हो कि गलत है हम सही है, दैट इज द प्रॉब्लम। सही बात। और ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि 72 क्रिएशन थ्योरीज है, उन 72 क्रिएशन थ्योरीज में से ये एक वन ऑफ द थ्योरी है, वन ऑफ द थ्योरीज है। एग्जैक्टली 72 से भी ज्यादा, 102 है शायद, मैंने भूल गया। मैंने जर्मनी में एक कॉन्फ्रेंस में बैठा था, वहां पे आप ट्राइबल्स के पास जाए उनकी अलग थ्योरी है, अमेज़न के ट्राइबल हो गए, अफ्रीका के ट्राइबल है, उसमें आपकी एक थ्योरी है। अब जैसे एक थ्योरी क्रिएशन के कि भगवान ने 7 दिनों में एक दिन लाइट बनाया, एक दिन अंधेरा बनाया, एक दिन ये बनाया, एक दिन वो बनाया, और हमारे यहाँ क्या थ्योरी है कि प्रकृति और ब्राह्मण के, ब्राह्मण मतलब ये कास्ट वाला नहीं, वर्ण नहीं, ब्राह्मण मतलब कॉन्शियसनेस, प्रकृति जो थी वो हमेशा से थी, उसकी कोई वो सेल्फ क्रिएटेड है। कॉन्शियसनेस से जब प्रकृति मिलती है तो फिर सृष्टि का निर्माण होता है, ये हमारे यहाँ की थ्योरी। अब कौन सी थ्योरी सही है, आपने दुनिया में तलवार लेकर के फैला दिया इंपीरियलिज्म के नाम पे क्रिश्चियनिटी ने, और इसके नाम पे कि हमसे लड़ लो के नाम पे, ये बाकी कोई नहीं गया किसी को कन्वर्ट करने के लिए कि तुम्हारा गलत है, ये तुम्हारा गलत है मेरा सही आता ही अब्राहमिक फेथ से। और बेचारे यहूदियों ने जो कि ये ला के दिए दुनिया को ये कॉन्सेप्ट,
आज दुनिया की सबसे सताई हुई कॉम है वो, बराबर। तो देखिए यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे चीज सब किताबें जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, चूंकि निर्माण करते हैं जुडाइज्म का, क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का, सनातन का, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी में वो नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, फिर हैवॉक हो जाता है। पॉइंट यही, अब देखिए अब्राहमिक थ्योरी में यह है कि एक लास्ट प्रॉफिट आएगा, वैदिक थ्योरी में क्या है कि भाई कोई लास्ट प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट आते ही रहेंगे, जिनको हम अवतार कहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य सिजाजमानम तदानमन्यम। हम कह रहे हैं कि बार बार प्रॉफिट आएंगे यार, जिनको हम कह रहे हैं अवतार, क्यों? क्योंकि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब आएंगे हम। भगवान ने ये नहीं कह रहा कि हम लास्ट हो गया, कोई लास्ट है उसी की बात मान लो। आपकी थ्योरी है कि कोई लास्ट आएगा, तो वो थ्योरी है ना। सही बात है। तो बॉटम लाइन ये है कि ये जो इन लोगों ने जो अलबरूनी और इसको लेके पढ़ाया हमारे समाज के बारे में, इनको इंडियन समाज का कोई आइडिया ही नहीं था। अच्छा मजे की बात है कि जो पाकिस्तानी किताब पढ़ रहे और जो हिंदुस्तानी किताब पढ़ रहे, देवनगर कंटेंट सेम है, दोनों में मुगल हीरो है और लोकल कम्युनिटी जो है वो विलेन है, जो ब्राह्मण जो हिंदू समाज है, बराबर। और इसका सोर्स क्या है? अलबरूनी। अलबरूनी कहां से? उज्बेक था वो भी। बाबरों ने, बाबर ने क्या लिखा है बाबरनामा में, जरा इंडियंस के बारे में आप पढ़ लीजिए। अलबरूनी लिखता है कि इंडियंस जो थे वो अपने राजा को सबसे बेहतर राजा मानते थे, और यही बात आपको हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने द बुक ऑफ गवर्नमेंट में ब्रिटिशर्स के बारे में लिखा। हर सोसाइटी अपने को बेहतर मानती थी भाई, हर सोसाइटी अपने को बेहतर मानती थी। ये क्या, अगर आपको इससे प्रॉब्लम है कि इनके में वो था गवर्नमेंट था कि हम सबसे, तो भाई तो इस्लाम का कोर है कि हम सबसे बेहतर है बाकी सब गलत है, और अलबरूनी उसी थॉट प्रोसेस को मानना हो तो वो भी गलत हो गया फिर, क्योंकि वो तो इस बिलीफ सिस्टम्स के साथ आ रहा था कि हम सही हैं, ये मूर्ति पूजा करने वाले गलत हैं। और अलबरूनी की किताब का मैं आपको एक बात बताऊं, आप उसके प्रीफेस में चले जाएं, उसका पेज नंबर जो है वो 28, पेज नंबर 28 मैं पढ़ रहा हूं, उसका पैराग्राफ नंबर 2 अलबरूनी की किताब है जिसको कि सशाओ ने ट्रांसलेट किया। द फाउंडेशन ऑफ अरेबिक लिटरेचर वॉज लेड बिटवीन 750 एंड 850। It is only the tradition relating to their religion and prophet and poetry that is peculiar to the Arabs. और ये बता रहे Arabs ने science, ये वो 750, मतलब कि आज से मुश्किल से क्या 1200 साल पहले। ये अलबरूनी अपनी किताब में लिख रहा है कि भाई it is only the tradition relating to their religion and prophet and poetry that is peculiar to the Arabs. Everything else is foreign document. फॉरेन डिसेंट, सॉरी, एवरीथिंग इज अ फॉरेन डिसेंट। अरबों को पता ही नहीं था, सिर्फ वो खाली रिलीजन, अपना कल्चर, अपने प्रॉफिट और अपनी पोएट्री के अलावा उनको कुछ नहीं पता था। द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज लिटरेचर विद द न्यूमेरस रेमिफिकेशन इज चीफली द वर्क ऑफ फॉरिनर्स कैरीड आउट विद द फॉरेन मटेरियल्स एज इन द रोम द ओरिजिनल्स ऑफ द नेशनल लिटरेचर मोस्टली पॉइंट टू ग्रीक सोर्सेज, ग्रीस, पर्सिया एंड इंडिया वर टैक्स टू हेल्प द स्टेरिलिटी ऑफ द अरब माइंड। ये किताब लिखी जा रही है, प्रीफेस है उसका, कि अरबों के पास जो ज्ञान आया उस ज्ञान का सोर्स है इंडियन, ग्रीक्स और वो पर्शियन, बराबर। और बल्कि इन्होंने तो ये कहा कि इंडियन कोई सोर्स ही नहीं मिलता कि पुरानी इंडियन हिस्ट्री को समझा जा सके और उसे पढ़ा जा सके। ये पागल, मैंने कहा ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही किताब पढ़ता है इन कम्युनिस्टों की वजह से। तुम उस आइडियोलॉजी को जो कह रहा है गजवाए हिंद होगा और उसके बाद हिंद खत्म हो जाएगा, उसको तुम बता रहे हो कि ये इंडिया में आया हमारी एग्जिस्टेंशियल को खत्म करने के लिए। कोई स्वेच्छा से बन जाए वो ठीक है, लेकिन आप ग्लोरीफाई कर रहे हो। आप महमूद गजनवी की किताब में पढ़ो कि उसने कहा कि जब मैं यहाँ पे आया तो जो मंदिरों में सोना था ये था, उसने लोगों को मारा, औरतों को लूटा, चूंकि वो एक चौथाई खुद रखते थे बाकी अरबिया भेज देते थे, औरतों को ले जाके डेमेस्कस में बेचा। और ये भी बता दिया है कि ये इससे ना जेनेटिकल वो चीज हुआ, रेप करके तुम जेनेटिक्स मॉडिफाई करोगे। और ये सब बोलना क्या, हम किसी के खिलाफ, हम सच बोल रहे हैं भाई। आप ये, चूंकि लोगों को ये ना लगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो मैं जरा कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये किताब दिख रही है ना, ये किताब अलबरूनी की किताबुल हिंद, इसका प्रीफेस पढ़ता हूं मैं, ये वाला पार्ट, सॉरी,
जी द फाउंडेशन ऑफ अरेबिक लिटरेचर वॉज लेड बिटवीन एडी 750 एंड 850. इट इज ओनली द ट्रेडिशन रिलेटिंग टू देयर रिलीजियंस एंड द प्रॉफिट एंड पोएट्री दैट इज पिक्युलर टू द अरब्स. एवरीथिंग एल्स इज फॉरेन डिसेंट. द डेवलपमेंट ऑफ द लार्ज लिटरेचर विद न्यूमेरस रेमिफिकेशन इज चीफली द वर्क ऑफ फॉरिनर्स कैरीड आउट विद द फॉरेन मटेरियल्स. एज इन रोम द ओरिजिन ऑफ द नेशनल लिटरेचर मोस्टली पॉइंट्स टू द ग्रीक सोर्सेज. ग्रीस पर्सिया एंड इंडिया वर टैक्स टू हेल्प द स्टेरिलिटी ऑफ द अरब mind. What Greek has contributed by lending its Aristotle, Ptolemy, and is known in general, a detailed description of the influx and the spread of the Greek literature would mark the memorable progress in the Oriental philosophy. Such a work may be undertaken with some enhance of success, but who is familiar with the Greek this thing? चूंकि ये scholar दिखे तो Greek का contribution क्या है अरबों के लिए वो बता रहे. बराबर. आप समझ रहे हैं? बराबर. The so point ये है कि जब अरबों को कुछ नहीं पता था और उनके मानने वाले हमारे यहाँ पे आकर के और बता रहे कि वो ज्ञान देंगे सिवाय religion के और कुछ पता ही नहीं था उनको. सही बात है. तो बॉटम लाइन है कि भाई तुम सच तो बोलो यार. इतने अटैक हुए इंडिया में एक समय पे, क्यों हो रहे हैं अटैक? उसको तुमने एडवेंट ऑफ इस्लाम पढ़ा दिया तो क्यों नहीं लिखा कि एडवेंट ऑफ इस्लाम का जो सोर्स है वो गजवाए हिंद है? ये भी तो बता देते किताबों में. बराबर. तुमने टॉर्मेंटर्स को हीरो बता दिया. औरंगजेब ने औरतों को लूटा. ये सारे के सारे जो इनको कहा ये राजाओं की लड़ाई थी. हमारे राजा जाकर के कभी उज्बेक की औरतों को लूट करके यहां लाए क्या? हमारे राजाओं ने अरबों के अरबों से लड़कियों को जीत करके और भारत की मंडियों में बेचा क्या? बल्कि हमारे यहां यह है कि शिवाजी महाराज के सामने जब एक मुस्लिम लड़की पेश की गई थी उन्होंने कहा जाओ इसको वापस करके आओ, ये हमारी बेटी है. हमारे यहां माताओं और महिलाओं को भोग की वस्तु नहीं मांगते और तुम हमें बता रहे हो यार. उल्टा भी तो देखो कि वो तो कर रहे हैं तो हमने किया क्या कभी? अरे भारत कम से कम 10-15 हजार वर्ष से तो अपनी परिधि को जानता ही है. उत्तरम यत्स समुद्र से हिमाद रैशय दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति. या से 6-7 हजार साल पहले तो लिखा गया होगा, सोचा कब गया होगा ये अलग की बात है. बराबर. बराबर. तो पॉइंट ये है कि उनको अपनी परिधि का तो पता था तो वो तो नहीं गए किसी की, उसका तो कोई डिटेल नहीं आ रहा है कि उन्होंने वहां की औरतों को लाके भारत की मंडियों में बेचा. एक कोई सोर्स बताओ. बराबर. कि अशोक ने लोगों को हराने के बाद औरतों को बेचा. जी. और इसमें बड़ी एक विडंबना और दुख की बात यह है कि ये सब बोलने वाले, बताने वाले और ये थ्योरी को एलोबरेट करने वाले हमारे अपने भारत के ही लोग हैं. हाँ जी, हाँ जी, भारतीय है, भारतीय है लोग. बट ये मार्क्सिस्ट है ना. मार्क्स के आपने वो दो उसने लिखा था, ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड फ्यूचर ऑफ ब्रिटिश रूल. उसमें वो साफ कहता है, उसमें तो वो अरबों और टार्टर्स और उसको बारबरी कह रहा है जिसको ये भगवान बनाए पड़े हैं. उसको वो जो कार्ल मार्क्स से कहता है ये बर्बर थे और इंडिया में आए तो ये सब हिंदुआइज्ड हो गए, हिंदुओं ने जीत लिया इनको, अंग्रेज सुपीरियर थे. और ये सच है, यहाँ का इस्लाम जो है वो अरब का इस्लाम नहीं, वो यहीं का इस्लाम है. वो टोटल इंडियन प्रैक्टिस करता है और कहता है ये इस्लामिक कल्चर है. लड़कियां पहन रही हैं पाकिस्तान में सलवार सूट, कह रहा है ये इस्लामिक है. दिन वो खाली खाने में जो है गोश्त मिला देने को, बाकी खाने के कल्चर को वो कहता है ये इस्लामिक है. उसका जो सालन का बेस है वो वही है, अदरक लहसुन प्याज टमाटर मिक्स करके वो मसालों का तड़का डालना वही है, खाली उसमें वो मीट डालना, कह रहा है इस्लामिक खाना है. ये जो उसर्पेशन ऑफ कल्चर है ये प्रॉब्लम का घर है. और कोई मुझे तो इससे भी दिक्कत नहीं है भाई, जहां बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, शैंटोइज्म है, उसी में इस्लाम भी हो, क्रिश्चियनिटी भी हो, जुडाइज्म भी हो, क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत है कि आप करो कि बाकी को खत्म होना है. ये है प्रॉब्लम की जड़. ये लाने वाले सिर्फ अब्राहमिक फेथ है जो कह रहा बाकी गलत है. बराबर. सही बात है. और जो इंडियन कल्चर है वो एक बड़ा इंक्लूसिव कल्चर है जिसके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फिर वो हम एक 100 साल का स्पैन ले लें, 1000 साल का ले लें, या कितना भी और बड़ा स्पैन ले लें, यहाँ पर हमेशा दूसरे कल्चर्स को, दूसरे रिलीजन को एक वेलकम किया गया है और उनके साथ में मिलजुल के रहने की बात की गई है. इसमें कभी भी ये नहीं कहा गया है कि सिर्फ जो हम कह रहे हैं, हम जो बात है, हम जिसे फॉलो करते हैं वही सुपीरियर है, वही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी और कोई नहीं.
ये बात कभी भी किसी भी हमारे ना ग्रंथों में कही गई, ना वेदों में कही गई है, ना कोई इसका लिटरेचर में ये बात कही गई है। बिल्कुल बात बराबर है। और आई थिंक हमारे इस डिस्कशन के थ्रू जो थोड़ी सी मिस कंसेप्शन या जो मिस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश की गई, उसको थोड़ा सा करेक्ट करने की हमारी तरफ से एक शायद कोशिश है, और ये एक सही और कंस्ट्रक्टिव स्टेप में आगे बढ़ेगी। लोग इसे समझेंगे, मानेंगे। और इसी के साथ मैं आज का डिस्कशन यहाँ पर पॉज करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ। और आपको आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है फ्यूचर में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आपसे और आपके समय के साथ में फिर से मुलाकात होगी। इसके लिए आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।